नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मज़ेदार वीडियो में। तो आज मैं यहाँ पे आप सबके लिए लेके आ गया हूँ एक और स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। तो आज हम यहाँ पे स्पीड टेस्ट करेंगे वीवो V20 SE वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी M31S। अब इन दोनों के बीच में स्पीड टेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों आपको ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाते हैं एंड दोनों में ही जो प्रोसेसर है वो काफ़ी वीक है, अपनी प्राइस के हिसाब से अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करते हैं दोनों में से किसी भी फ़ोन को। तो V20 SE में आपको मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 665, तो M31S में आपको मिल जाता है वही सैमसंग का जाना माना एंड पुराना एक्जिनोस 9611। तो देखते हैं इन दोनों फोन्स में हम स्पीड टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा फ़ोन बेटर परफॉर्म करता है। स्पीड टेस्ट को हम यहाँ पे चार अलग अलग राउंड में करेंगे। पहले राउंड में एक ओपनिंग स्पीड देखेंगे, उसके बाद रैम मैनेजमेंट चेक करेंगे, उसके बाद इंटरनेट स्पीड टेस्ट करेंगे एंड लास्ट में वीडियो रेंडरिंग टेस्ट भी करेंगे। तो वहाँ पे एक्चुअल पता चलता है परफॉर्मेंस कहाँ पे बेहतर देखने को मिलेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं तकनीकी वर्ल्ड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो टेस्ट में आगे बढ़ने से पहले दोनों ही फ़ोन को एक बार हम रीबूट कर देते हैं। तो रीबूट स्पीड के बारे में बात करी जाए तो दोनों में ही आपको सेम रीबूट स्पीड देखने को मिल जाती है, एक मिलीसेकंड का ही डिफरेंस आप बोल सकते हैं। तो टेस्ट में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ कि दोनों ही फोन को मैंने सेम वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है एंड ब्राइटनेस को भी दोनों ही फोन में सिमिलर लेवल पे सेट कर रखा है एंड मेमोरी में यहाँ पे कोई भी एप्स नहीं है। तो सबसे पहले यूट्यूब ओपन कर लेते हैं। तो M31S ने जल्दी ओपन कर दिया है यूट्यूब को, उसके बाद फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं, अगेन M31S ने जल्दी ओपन कर लिया है, उसके बाद Amazon ओपन कर लेते हैं, तो अगेन M31S, उसके बाद Myntra, तो Myntra यहाँ पे V20 SE ने जल्दी ओपन कर दिया है, उसके बाद Play Store ओपन करते हैं, तो सेम टाइम पे ओपन हुआ है दोनों ही फ़ोन में। मैप्स यहाँ पे AC ने जल्दी ओपन कर दिया है, क्रोम ओपन कर लेते हैं, तो अगेन यहाँ पे AC ने जल्दी ओपन कर दिया है, उसके बाद कुछ गेम्स ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे भी गेमिंग मोड को मैंने डिसेबल कर रखा है, तो यहाँ पे AC ने अगेन जल्दी ओपन कर दिया है, उसके बाद सबवे सर्फ ओपन कर लेते हैं, तो अगेन V20 SE ने जल्दी ओपन कर दिया है, उसके बाद जाके M31S ने ओपन किया है। टेम्पल रन 2 ओपन कर लेते हैं, सेम टाइम पे ओपन किया है दोनों ही फोन ने, कोई भी डिफरेंस नहीं है। उसके बाद डेट ट्रिगर 2, AC में थोड़ा सा जल्दी ओपन हो गया था। चलिए अभी कुछ बेसिक से टास्क ओपन कर लेते हैं। तो गैलरी यहाँ पे M31S ने ओपन किया, कैलकुलेटर यहाँ पे अगेन M31S, कैमरा सेम टाइम पे बोल सकते हैं दोनों ही फ़ोन में एंड सेटिंग्स M31S ने ओपन किया। तो पहले राउंड में यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी फ़ोन क्लियर विनर नहीं है क्योंकि कुछ टास्क को यहाँ पे वीवो V20 SE ने जल्दी ओपन किया था तो कुछ टास्क को यहाँ पे M31S ने जल्दी ओपन किया था। चलिए रिवर्स ऑर्डर में इन सभी टास्क को ओपन करते हैं, देखते हैं कि रैम मैनेजमेंट यहाँ पे कौन से फ़ोन में बेहतर है।
तो रैम मैनेजमेंट देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन का काफ़ी बढ़िया है एंड सिमिलर ही बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही फ़ोन ने सभी टास्क को मेमोरी में रखा था। एंड वैसे ये सभी वीडियोस अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। ये पोको M2 Pro एंड रियल मी 7 का कैमरा कंपेरिजन है, तो यहाँ पर वीवो V20 SE का फुल कैमरा रिव्यू है। इन सब टास्क को हम क्लियर कर देते हैं एंड इन दोनों के बीच में एक इंटरनेट स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। तो इंटरनेट स्पीड के बारे में बात करी जाए तो वो भी यहाँ पे दोनों फ़ोन में सिमिलर देखने को मिल जाती है एंड वहाँ पे भी कोई ऐसा मेजर डिफरेंस देखने में नहीं आया है। चलिए अभी इसको भी कर देते हैं बंद एंड लास्ट में अभी कर लेते हैं इन दोनों फ़ोन का परफॉर्मेंस टेस्ट एंड देखते हैं कि वहाँ पे कितना फ़र्क देखने को मिलता है या फिर वहाँ पे कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता है। दोनों ही फ़ोन में मैंने सेम प्रोजेक्ट को ले रखा है, तो यहाँ से हम इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, 720p रेजोल्यूशन पर प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 720p सेट कर देते हैं एंड 3, 2, 1 गो। तो वीडियो रेंडरिंग स्पीड के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी कोई भी डिफरेंस देखने में नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ मिलीसेकंड का फ़र्क देखने को मिला है। M31S ने थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद जाके यहाँ पे वीवो V20 SE ने कंप्लीट किया था। तो इसको भी कर देते हैं बंद। तो दोस्तों ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में बात करी जाए तो पहले राउंड में एप ओपनिंग स्पीड में दोनों ही फ़ोन ने सिमिलर परफॉर्म किया, रैम मैनेजमेंट दोनों ही फ़ोन का काफ़ी बढ़िया है वहाँ पर भी सिमिलर परफॉर्म किया, इंटरनेट स्पीड किया तो वहाँ पे भी सिमिलर परफॉर्म किया एंड लास्ट में वीडियो रेंडरिंग टेस्ट किया तो वहाँ पे भी सिमिलर परफॉर्म किया। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई भी डिफरेंस देखने में नहीं आया, बट डिफरेंस यहाँ पे आपको डेफिनेटली मिल जाता है। एक तो प्राइस का डिफरेंस है, V20 SE थोड़ा सा महंगा आता है, 21,000 है स्टार्टिंग प्राइस, जबकि ये आपको मिल जाएगा अराउंड 19,500, बट डिस्काउंट के साथ तो और भी कम हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाते हैं बेटर कैमरास, बेटर बैटरी एंड बेटर डिस्प्ले। तो कैमरे का कंपैरिजन भी आ जाएगा V20 SE के साथ, तो वहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि इसका कैमरा कितना बेहतर है इससे। तो अगर आपको परफॉर्मेंस के लिए इन दोनों में से कोई भी डिवाइस लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं आपको इन दोनों में से कोई भी डिवाइस रिकमेंड नहीं करूँगा। तो इस प्राइस रेंज में आपको काफ़ी बेहतर फोन्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे 20G या फिर 732G जैसे प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। तो परफॉर्मेंस आपको अच्छा चाहिए तो आप वो डिवाइस जाके ले सकते हैं। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।